नवगछिया तेतरी में दो पक्षों में हुई मारपीट, प्राथमिकी दर्ज। नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी गांव में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट की घटना हुई। मारपीट की घटना के संदर्भ में दोनों पक्षों द्वारा नवगछिया थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया गया है। प्रथम पक्ष के रतन कुमार झा पिता यशोधर झा ने चाकू व खंती से मारकर घायल करने का आरोप लगाते हुए नवगछिया थाने में आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने पड़ोस के ही अनुज कुमार झा उर्फ जनार्दन झा, मनीष कुमार झा उर्फ टुड्डू झा को नामजद किया है। वहीं दूसरे पक्ष के जनार्दन झा पिता दामोदर झा ने भी मारपीट करने का आरोप लगाते हुए नवगछिया थाने में आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने रतन कुमार झा, भानु झा सहित कई को नामजद किया है। नवगछिया थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा ने बताया कि दोनों पक्षों से मारपीट की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। घटना के संदर्भ में पुलिस छानबीन में जुट गई है। हम रोड पर खड़े थे, वो बाप बेटा आया और आकर के गल्लम गाड़ी करना शुरू, बापों के रॉड से खंती से मारना चालू किया और बेटा चाकू। कौन बाप बेटा? अनु झा उर्फ जनार्दन झा, बेटा का नाम टिटुआ है, उसके बाद उर्फ में भी कुछ है उसका नाम। कहाँ का रहने वाला? तेतरी का रहने वाला है वो। क्यों मारने लगा? रंगबाजी मांगता था 1,00,000 रुपया। पूरा उसका बाप बेटा दोनों नशाबाज है और वो उस जगह सब कुछ तबाह करके रखा है। अब सब यहाँ पर कोर्ट में मुंशी का काम करता है, उसी में सब कुछ तबाह करके वो रखता है और रंगबाजी। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम रतन झा होगा, तेतरी हुआ। नवगछिया, लॉकडाउन के बाद बाजार को प्रशासन ने कराया बंद, सोमवार को भी घरों में ही रहे लोग। नवगछिया में कोरोना वायरस को लेकर सरकार द्वारा लॉकडाउन किए जाने के बाद लोग काफी सतर्क हो गए। जनता कर्फ्यू के बाद बिहार सरकार द्वारा लॉकडाउन किए जाने के बाद लोगों ने और भी ज्यादा सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। सोमवार को जहां लोगों ने सुबह सुबह अपनी दुकानें शुरू ही की थी कि प्रशासनिक स्तर से बिना आवश्यकता वाली दुकान को बंद करा दिया गया। सोमवार की सुबह नवगछिया SDO मुकेश कुमार, SDPO प्रवीण भारती शहर में घूम घूम कर दुकानदारों को अपनी दुकान बंद कर अपने अपने घरों में रहने की अपील कर रहे थे। प्रशासनिक गतिविधि को देखते हुए सोमवार को भी पूरे दिन नवगछिया अनुमंडल के सभी छोटे बड़े बाजारों की अधिकांश दुकानें बंद रही। बाजार के बंद होने के कारण लोग अपने अपने घरों में पूरे दिन पड़े रहे, आवश्यक कार्य से ही लोग अपने घर से बाहर निकले। वहीं लॉकडाउन किए जाने के कारण प्रशासनिक स्तर से भी लगातार गतिविधि करते नजर आई। लोगों को इस महामारी से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी निर्देश का पालन करने का निर्देश दे रही थी। नवगछिया शहर में पूरे दिन दुकान तो बंद रही, लेकिन संध्या समय अधिकांश दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल दी। बताते चलें कि सरकार के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा कर दिए जाने के कारण सड़कों पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद दिखा, लेकिन कुछ वाहन लॉकडाउन की घोषणा के बाद भी चलती नजर आई। आदेश के बाद भी वाहनों के परिचालन होने पर प्रशासन स्तर से वैसे वाहन को जब्त किया गया। नवगछिया पुलिस ने सरकारी आदेश के बाद वाहनों के परिचालन होने से आधा दर्जन से अधिक वाहनों को जब्त किया है। सवारी वाहनों के परिचालन नहीं होने के कारण बस व ऑटो सड़क के किनारे यहां तहां खड़ी कर चालक अपने अपने घर को चले गए थे। इधर ट्रेन का परिचालन बंद होने के कारण नवगछिया स्टेशन पर पूरी तरह से शांति छाया रहा, पैदल यात्रा करने को विवश दिखे लोग। वाहनों के परिचालन नहीं होने के कारण जिन लोगों को आवश्यक कार्य के लिए कहीं जाना था, वैसे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वैसे वाहन को लोग रिजर्व लेकर अपनी आवश्यक कार्य को पूरा कर रहे हैं या अपनी निजी वाहनों का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो वाहनों के परिचालन नहीं होने से कई किलोमीटर तक पैदल ही यात्रा करना पड़ रहा है। लॉकडाउन घोषित होने के बाद भी नवगछिया में खुली रही दुकानें। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए पूरे बिहार के सभी जिलों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन किया है। वहीं दूसरी तरफ नवगछिया बाजार में लॉकडाउन उल्लंघन दुकानदारों के द्वारा धड़ल्ले से किया जा रहा है। दुकानदार खुलेआम अपनी दुकान खोलकर अपना सामान बेच रहे हैं। दुकान के खुले रहने के कारण बाजार में लोगों की आवाजाही काफी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मेडिकल व राशन पानी की दुकान, सब्जी फल के दुकान खुलने चाहिए, लेकिन अनावश्यक दुकानें खुलने से शहर में भीड़ जमा हो रही है। लोगों ने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो सरकार के द्वारा कोरोना वायरस महामारी को भगाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन कैसे कारगर साबित हो पाएगा। शहर के लोगों ने इस दिशा में पुलिस प्रशासन से पहल करने की मांग की है। लोगों ने कहा कि सिर्फ आवश्यक सेवा के अलावे सभी दुकानें बंद रहेगी तो शहर में लोगों की आवाजाही कम रहेगी। बताते चलें कि सरकार के द्वारा 31 मार्च तक लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए जाने के बाद सोमवार की सुबह किराना दुकानों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सरकार के निर्देश को देखते हुए पिछले 15 दिनों के लिए घर के राशन की व्यवस्था करने में जुटे दिखे।
नवगछिया, लॉकडाउन के उल्लंघन में 41 टेम्पू व 4 ई रिक्शा जब्त, 5 पर प्राथमिकी दर्ज। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर बिहार सरकार द्वारा पूरे राज्य के सभी जिलों में लगाए गए लॉकडाउन की कार्रवाई का उल्लंघन करने के मामले में नवगछिया पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। नवगछिया एसपी निधि रानी के निर्देश पर पुलिस जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में इस कार्रवाई के तहत लॉकडाउन उल्लंघन करने के मामले में 5 प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस कार्रवाई में पुलिस जिले के कुल 41 टेम्पू एवं 4 ई रिक्शा को जब्त किया गया है, जबकि 41 टेम्पू चालक एवं 4 ई रिक्शा चालक पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। नवगछिया एसपी निधि रानी ने बताया कि पुलिस जिले के नवगछिया थाना क्षेत्र में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले मामले में 16 टेम्पू को जब्त किया गया है, जबकि 2 ई रिक्शा को जब्त किया गया है, जिसमें सभी जब्त किए गए वाहन चालकों के विरुद्ध क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज की गई है। खरीक थाना में 11 टेम्पू को जब्त किया गया है। बीपुर थाने में 5 टेम्पू को जब्त किया गया है। भवानी पूर्वी क्षेत्र में 8 टेम्पू को जब्त किया गया है, जबकि 1 ई रिक्शा को जब्त किया गया है। वहीं गोपालपुर थाना क्षेत्र में 1 टेम्पू को जब्त किया गया है। इस संदर्भ में गोपालपुर थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं नवगछिया एसपी निधि रानी ने कहा कि आगे भी अगर लॉकडाउन का अनुपालन नहीं किया जाएगा तो पुलिस प्रशासन स्तर से अग्रसर कार्रवाई की जाएगी। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में 6 बेड का बनाया गया इंसुलेशन वार्ड आज से होगा चालू। नवगछिया में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारी तेज कर दी गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में भी इंसुलेशन वार्ड का निर्माण किया गया है। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में ऑपरेशन वार्ड को इंसुलेशन वार्ड बनाया गया है। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर AK सिन्हा ने बताया कि ऑपरेशन वार्ड में 6 बेड का इंसुलेशन वार्ड बनाया गया है। इंसुलेशन वार्ड के नोडल पदाधिकारी DIO मनोज कुमार को बनाया गया है। मंगलवार से इंसुलेशन वार्ड कार्यरत हो जाएगा। दूसरे राज्य से आए 20 लोगों की हुई जांच, एक को भेजा गया मायागंज। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में सोमवार को दूसरे राज्य एवं शहरों से आए लोगों की जांच स्वास्थ्य टीम द्वारा की गई। सोमवार को नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में लगभग 20 लोग जो दूसरे राज्यों से यहां आए थे उनकी जांच हुई। जांच के दौरान एक मरीज को संदिग्ध पाते हुए बेहतर जांच के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया। अस्पताल में जांच कराने आए लोगों को कोरोना वायरस के सिम्टम की जांच स्वास्थ्य टीम द्वारा की गई। इस दौरान लोगों को 14 दिनों तक पूरी सावधानी बरतने और अपने को हर किसी से अलग रखने एवं किसी प्रकार की परेशानी होने पर टोल फ्री नंबर या अस्पताल के द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देने की बात बताई गई। भागलपुर की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में आज भी सर्वोत्तम स्थान पर दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल CBSE एफिलेटेड सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल। नामांकन प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 9वीं तक। हमारा पता है दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, दीक्षा नगर, इब्राहिमपुर रोड, सबौर, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9934855177। 9934855177। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छात्र छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाएं। नवगछिया अनुमंडल एवं भागलपुर के सभी क्षेत्र के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। आवासीय आइडियल विद्या मंदिर हरनाचक नवगछिया, कक्षा नर्सरी से अष्टम तक की पढ़ाई CBSE पैटर्न, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी सुयोग्य शिक्षकों द्वारा, छात्रावास में छात्र छात्राओं को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था, कंप्यूटर शिक्षा की अलग से व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ है। लगातार स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस पर अनुमंडल में भव्य झांकी के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित। संपर्क सूत्र 9934261437। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति के साथ प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल NH 31 नवगछिया, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक। हमारी विशेषताएं स्मार्ट क्लास, CCTV परिक्षेत्र, रेसिडेंटल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब, स्पोर्ट्स सहित कई आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ। हमारा पता है प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल, NH 31 नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 88093047433, 7368 9147433। IAS IPS फाउंडेशन क्लासेस अब कक्षा 6-7 से ही UPSC की तैयारी शुरू। एक बार नारायणपुर में सिलेंडर में आग लगने से बाल बाल बची महिला। नारायणपुर प्रखंड के जयपुर चूहर पूरा पंचायत के चौहद्दी गांव में सोमवार की दोपहर गैस सिलेंडर पर चाय बनाने गई चौधरी निवासी अजय शाह के घर में रसोई गैस सिलेंडर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिससे सिलेंडर में लगा रेगुलेटर क्षतिग्रस्त हो गया। चूल्हा
जला रही अजय शाह की पत्नी कंचन देवी बाल बाल बची परिजनों द्वारा आवाज सुनकर पहुंचे। आसपास के ग्रामीणों ने कम्बल व बालू की मदद से काबू पाने का प्रयास किया। मौके पर गैस एजेंसी कर्मी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। नारायणपुर में एसडीएम एसडीपीओ सहित अन्य पदाधिकारी ने मथुरापुर बाजार को बंद रखने का किया अपील। नारायणपुर प्रखंड के मथुरापुर बाजार, भमरपुर बाजार एवं आशा टोल बलहा में सीओ रामजपी पासवान द्वारा कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार की पहल पर लॉकडाउन के तहत माइकिंग कर विशेष जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलने की अपील की है। मथुरापुर बाजार में सोमवार की दोपहर एसडीपीओ प्रवेंद्र भारती, एसडीएम मुकेश कुमार, बीडीओ अजय प्रकाश राय, सीओ रामजपी पासवान, थाना अध्यक्ष नीरज कुमार, प्रमुख प्रतिनिधि मंटू यादव सहित कई अन्य ने घूम घूम कर व्यवसायियों से 31 मार्च तक लॉकडाउन को लेकर दुकान बंद रखने की अपील की है। नवगछिया सड़क दुर्घटना में एक घायल। नवगछिया पुलिस जिला के परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पुल पहुंच पथ पर सोमवार को हुई मोटरसाइकिल दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक पूर्णिया जिले के धमदाहा निवासी मोहम्मद समी आलम, पिता स्वर्गीय सरमुद्दीन है। घायल युवक का इलाज नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में किया गया, वहीं बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया। मारपीट में एक घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के श्रीपुर में हुए मारपीट में प्रमोद कुमार भगत घायल हो गए। घायल का इलाज नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया। नवगछिया पचगछिया से एक व छोटी पर्वत्ता से एक संदिग्ध को भेजा गया मायागंज। दूसरे राज्य से मजदूरी करने वाले दो मजदूर को कोरोना वायरस के संदिग्ध पाते हुए सोमवार को मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के पचगछिया से एक संदिग्ध को मायागंज भेजा गया है, जबकि इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के छोटी पर्वत्ता से एक मजदूर को मायागंज भेजा गया है।